हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हाँ थोड़े नाल मुस्कान शर्मा ते लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पाइसी रील्स जिते गलबात करांगे बॉलीवुड पॉलीवुड दियां कुछ खास खबरां ते यानी कि कौन कितने स्पॉट होया किस दा अज जन्मदिन ते कौन हो रहा ट्रोलर्स दा शिकार। आओ पौने आ इन्हां खबरां ते एक नज़र। अक्सर देखिया जाता है कि बी टाउन दे विच कुछ ना कुछ नवे सेलेब्स की जोड़ी बन जाती है। इस समय बॉलीवुड ते साउथ दी मशहूर अदाकारा तमन्ना भाटिया ते एक्टर विजय वर्मा दा नाम डेटिंग दियां खबरां नूं लैके चर्चा दे विच है। विजय ते तमन्ना नूं न्यू ईयर सैलीब्रेशन दौरान इकट्ठे देखिया गया सी। उदों तो ही क्यासराइयां लगाईयां जा रहियां ने कि विजय वर्मा ते तमन्ना भाटिया एक दूजे नूं डेट कर रहे ने। इस दौरान हुण तमन्ना ते विजय दा एक होर वीडियो सामने आया है। आओ पहलां देख लैंदे आं तमन्ना ते विजय दी इह ताज़ा वीडियो। असल च हाल ही तमन्ना भाटिया के विजय वर्मा की मुलाकात एलए अवार्ड समारोह दौरान हुई। इस मौके का एक वीडियो पेपरेजी द्वारा शेयर किया गया। इस वीडियो दे विच तुसी देख सकते हो कि तमन्ना भाटिया स्टाइलिश ब्लू कलर के थाई हाई स्लिट दे विच बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस नाल ही विजय वर्मा फंकी लुक दे विच नज़र आ रहे हैं। वीडियो दे विच साफ देखा जा सकता है कि तमन्ना भाटिया अपना फोटोशूट करवा रही है जो तो विजय वर्मा उसनों पिछे तो कुछ कहते हुए लंघ जाते हैं। इस तों बाद दोवें हाथ मिला के एक दूजे नूं गले लगाते हैं। इन्ना ही नहीं बाद विच दोहां नूं एक जगह पर बैठ के फोटोशूट करवाते भी देखा गया। अजिहे विच तमन्ना भाटिया ते विजय वर्मा दे ताज़ा वीडियो ने उन्हां दे रिलेशनशिप दे विच होण दीआं खबरां नूं हवा दे दित्ती है। हाल ही तमन्ना भाटिया ते विजय वर्मा ने गोवा दे विच इकट्ठे नवे साल का जश्न मनाया सी। इस मौके दीआं कई तस्वीरां ते वीडियोज़ सोशल मीडिया ते वायरल हुईआं सी। फिलहाल आओ एक बार फिर नज़र पा लैंदे आं तमन्ना भाटिया ते विजय वर्मा दी इस ताज़ा स्पॉटेड वीडियो ते। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन एतवार को पेपरेजी के कैमरे के कैद हुए। इस दौरान उन्होंने परिवार भी उन्होंने नाल देखा गया। दरअसल ऋतिक रोशन अपने परिवार के नाल लंच करन लई बाहर गए हुए सन। ऋतिक रोशन ने मुंबई के बैंड्रा इलाके दे विच अपनी एक्स पत्नी सुजैन खान ते दोवें बच्चियां रिहान रोशन ते रिधान रोशन दे नाल स्पॉट किया गया। इन्ना ही नहीं ऋतिक रोशन की कजन पश्मीना रोशन ने भी उन्होंने कंपनी दी। रोशन परिवार के मैंबर्स दी तस्वीरां सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही ने। आओ पहला देख लें ऋतिक रोशन ते उन्हां दी फैमिली दी ए ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। ऋतिक रोशन नूं एतवार नूं बैंड्रा दे कुरला कॉम्पलैक्स विच परिवार दे नाल देखा गया। ऋतिक रोशन इत्थे अपने परिवार दे नाल लंच करन आए सन। ऋतिक रोशन ने इस दौरान पैंट ते शर्ट दे नाल हुडी पाई हुई सी। इस दे नाल ही ऋतिक ने कैप भी पहनी हुई सी। इन्हां दीआं तस्वीरां हुण सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रहियां ने। ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी सुजैन खान भी उत्थे नज़र आई।
ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪਰੈਜ਼ੀ ਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸਭਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਅਰਸਲਾਨ ਗੋਨੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੋਟਡ ਵੀਡੀਓ। ਬਿਗ ਬੋਸ 13 ਫੇਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ ਵਿਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ ਵਿਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਸਟ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟ ਵਿੱਚ ਡਰੌਪ ਡੈਡ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਬਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਬਲੂਨ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਟਿੰਗ ਮਿਡ ਕੱਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ, ਗਲੈਮ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਹਾਈ ਹੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਛਤਰੀਵਾਲੀ ਉਰਫ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਛਤਰੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਕੁਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਪਰੈਜ਼ੀ ਲਈ ਖੂਬ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Z5 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਨਸ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੌਸ ਲੇਡੀ ਵਾਈਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਗੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਕ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਜਨਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
सिद्धार्थ ने इस खेतर दे विच काफी नाम कमाया। इस तो बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया दे विच कदम रखने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने खुद एक बार अपने करियर बारे खुलासा किया सी। उन्होंने दसिया सी कि सहायक निर्देशक वजो काम शुरू करने तो पहला उन्होंने एड विच भी किस्मत अजमाई सी। बहुत घट लोग जानते होंगे कि सिद्धार्थ साल 2008 दे विच ही बॉलीवुड दे विच डेब्यू करने वाले सन। इस फिल्म का नाम सी फैशन। हालांकि मॉडलिंग मैगजीन के नाल करार होने कारण चीज़ा सिरे नहीं चढ़ सकिया अते सिद्धार्थ उस समय फिल्मी दुनिया दे विच कदम नहीं रख सके। इस तो बाद भी उन्हों का फिल्मों प्रति जनून घट नहीं होया अते वो कोशिश करते रहे। इस बारे गल करते हुए सिद्धार्थ ने एक बार दसिया सी कि वो अपने पहले ऑडिशन दे विच ठुकराए गए सन, जिस तो बाद उन्होंने एक विज्ञापन का ऑफर मिलिया। 2010 दे विच उन्होंने करण जौहर की माई नेम इज़ खान के नाल एक सहायक निर्देशक के रूप दे विच अपनी शुरुआत की। इस तो बाद करण ने उन्होंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर दे विच काम करने का मौका दिता। इस फिल्म तो बाद सिद्धार्थ ने कदे भी पिछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपनी अदाकारी विच सुधार करते रहे ते कई वड्डे सितारियां दे नाल फिल्मां भी करते रहे। एक वेले नूं उन्हां दे करियर दा सब तो वड्डा मोड़ किया जा सकता है। मोहित सूरी दे निर्देशन दे विच बनी इस फिल्म नूं लोकां ने काफ़ी पसंद किया सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ते भी जबरदस्त कमाई की। फिल्मां तो इलावा सिद्धार्थ नूं रगबी खेडना भी काफ़ी पसंद है। इस तो इलावा सिद्धार्थ फिटनेस नूं लैके भी काफ़ी सुचेत रहिंदे ने। अभिनेता मुताबक जेकर वो एक दिन भी कसरत नहीं करते तो उन्हां नूं बहुत अजीब लगता है। अपने फिल्मी करियर दे विच सिद्धार्थ ने कई फिल्मों दे विच काम किया। कपूर एंड सन्स, हसी तो फसी, शेरशाह वर्गियां फिल्मों दे विच उन्हां दी अदाकारी नूं लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान काफ़ी चर्चा दे विच रहिंदी है। सुहाना दे अगस्त्या नंदा नूं डेट करन दी खबर ने सोशल मीडिया ते खलबली मचाई हुई है। हाल ही विच दोवां नूं एक पार्टी दे विच देखिया गया सी, जिस तों बाद यूजर्स नूं विश्वास हो गया है कि दोवां विच दोस्ती तों कुछ वध गई है। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिस विच स्टार किड सुहाना खान नूं मेकअप लुक दे विच नज़र आ रही है ते उह बहुत ही प्यारी लग रही है। आओ पहलां देखदे हां सुहाना खान दी इह वीडियो। सुहाना खान की लोकप्रियता तेजी के नाल वध रही है। जल्दी ही ज़ोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज नाल डेब्यू करन जा रही है। इस दौरान सुहाना खान का एक वीडियो पेपरेजी द्वारा शेयर किया गया। इस वीडियो दे विच शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अनन्या पांडे के घर तो बाहर निकलती नजर आ रही है। इस दौरान गौरी ने ग्रे कलर की शॉर्ट ड्रेस और ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, जबकि सुहाना खान कार के अंदर बैठी दिखाई दे रही है। सुहाना खान ने वाइट कलर का टॉप, ग्रे जैकेट और डैनिम पैंट पाई हुई है। स्टार किड नो मेकअप लुक दे विच बेहद खूबसूरत लग रही है। उस दे इस लुक नूं फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वीडियो ते टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा, वो बिना किसी प्लास्टर्ड मेकअप दे असल दे विच इन्नी प्यारी लग रही है जिसनों वो हर समय पसंद करती है। एक यूजर ने लिखा, प्यारी मुस्कान। मीडिया रिपोर्टों मुताबक सुहाना खान ते अगस्त्या नंदा एक दूजे नूं डेट कर रहे हैं। उन्हां दे फिल्म द आर्चीज दे सैट ते ही नेड़ता शुरू हो गई सी। सूत्रां ने कहा कि वो इकट्ठे बहुत समा बिताउंदे ने ते अपने बंधन नूं छुपाउण की कोशिश भी नहीं करते। हालांकि उन्होंने योजना किस नूं अधिकारित करन दी योजना नहीं बनाई है। फिलहाल आओ एक बार फिर देख लेने हैं सुहाना खान दी ए स्पॉटेड वीडियो। सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म पठान की प्रमोशन तो बाद दुबई तो परत आए ने। इस दौरान किंग खान एयरपोर्ट पर स्पॉच किया गया। शाहरुख खान की एयरपोर्ट लुक दियां ताज़ा तस्वीर हुण समय सोशल मीडिया से चर्चा का विषय बनिया हुई ने। आओ पहला देख लें शाहरुख खान की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। Thank you.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही दुबई के अपनी फिल्म पठान का जबरदस्त प्रमोशन किया। इस तो बाद शाहरुख खान हुण भारत परत आए ने, जिते उन्होंने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। किंग खान दी इन ताज़ा तस्वीरों के तुसी देख सकते हो कि वह सनग्लासिस, ब्लैक जैकेट, वाइट टी शर्ट और जीन्स के बेहद डैशिंग लग रहे हैं। अपने कूल और डैशिंग अंदाज के नाल शाहरुख खान दी ताज़ा तस्वीर सारियां दा ध्यान अपने वाल खिंच रही ने। शाहरुख खान तो इलावा उन्होंने मैनेजर पूजा डडलानी ने भी अदाकार के नाल एयरपोर्ट पर देखा गया। शाहरुख खान के फैनस उन्होंने ताज़ा तस्वीरों काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दस दिए कि दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के शाहरुख खान की फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च ने काफ़ी सुर्खियां बटोरिया ने। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों के रिलीज़ हो जा रही है। इस फिल्म के शाहरुख खान के नाल दीपिका पादुकोण और जोनी इब्राहिम भी मुख्य भूमिका के नजर आएंगे। फिलहाल आओ एक बार फिर देख लें शाहरुख खान की यह एयरपोर्ट लुक। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति अज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। विजय का जन्म 16 जनवरी 1978 को राजपल्याम तमिलनाडु के होया। कहा जाता है कि एक सफल अभिनेता के पिछे बहुत संघर्ष होंगे। अजिहे विजय सेतुपति ने भी इंडस्ट्री के अपना मुकाम हासिल करने सख्त संघर्ष किया। अज वो दक्षण सिनेमा के सब तो वधिया अदाकार निर्मातावां गिने जाते हैं। विजय सेतुपति ने कई तमिल फिल्मों के काम किया। जल्दी वह फर्जी वैब सीरीज़ के भी नज़र आएंगे। हाल ही इसका ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ है। विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 तो की थी। लव बर्ड्स उन्होंने करियर की पहली फिल्म से जिस छोटी जिही भूमिका के नज़र आए सन। इस तो इलावा उन्होंने कई फिल्मों के काम किया, पर उन्होंने फिल्म थैनमुर्क परुवकाचरू तो पछाण मिली। यह फिल्म साल 2010 के रिलीज़ हुई सी, जिस विजय पहली बार मुख्य भूमिका के नज़र आए सन। 2012 ने विजय सेतुपति के करियर के कई दिलचस्प मोड़ लिया। इस साल उन्हां दी तीन वड्डियां फिल्मां सुपरहिट रही, जिस तों बाद उन्हां ने पिछे मुड़ के नहीं देखा। फिल्मां विच आउण तों पहलां विजय सेतुपति ने मुश्किलां भरे दिन भी देखे ने। इन्हां तों बचण लई उन्होंने सेल्समैन, कैशियर, फोन बूथ ऑपरेटर वर्गियां नौकरियां भी कीतियां ने। इस दे नाल ही फिल्मी दुनिया विच आउण तों पहलां ही अदाकारा अकाउंटेंट वजों भी काम कर चुके ने। अज विजय सेतुपति ना सिर्फ साउथ फिल्मों के मशहूर हो गए हैं, सगों मोटिया फीसा लैन वाले एक्टर भी बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर के पेटा, मास्टर, विक्रम, कापे राणा सिंघम वर्गिया कुछ शानदार फिल्मा दित्तियां ने। माइकल, मैरी क्रिसमस, विदु थलाई, गांधी टॉक्स, मुंबईकर, शाहरुख खान की जवान अभिनेता दी आने वाली फिल्मों ने, जिन्हों का उन्होंने प्रशंसक बेसब्री के नाल इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की तरह पैन पश्मीना रोशन भी इन्हीं दिनी अपने लुक्स में लेकर चर्चा के है। जिते हाल ही अदाकार पैन पश्मीना के बच्चों के नाल लंच डेट पर देखा गया से, उत्थे हुण पश्मीना रोशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस विच चिट्टी साड़ी पा के प्रशंसकों दीवाना बना रही है। आओ पहले देख लें पश्मीना रोशन की यह वीडियो। Very good. Yes. You're right. Thank you. Thank you. Good night. Good night, ma'am. कुछ देर पहला पेपरेजी दे वालों शेयर की गई इस वीडियो दे विच देखिया जा सकता है कि पश्मीना एक पार्टी दे विच एंट्री करती नज़र आ रही है। इस दौरान उसने लुक नू देख के प्रशंसक उसनू अदाकारा तमन्ना भाटिया की भैन का किरदार निभाने की सलाह देंदे नज़र आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया से एक वीडियो सामने आई है, जिस विच पश्मीना रोशन पार्टी दे विच एंट्री कर रही है। इस दौरान वो वाइट साड़ी पहन के ते वालां दा बन बना के गजरा लगाई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वीडियो देख के फैनस उसके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा, तमन्ना भाटिया वर्गी लग रही है।
एक होर ने लिखा वह तमन्ना की भैन की भूमिका निभा सकती है। एक होर यूजर ने लिखा वह करण जौहर के नाल डेब्यू करने लिए तैयार है। इन्ना ही नहीं लोगों ने कमेंट्स में उसकी खूबसूरती की भी तारीफ की है। दस दिए कि पश्मीना रोशन राजेश रोशन और कंचन रोशन की बेटी है जबकि ऋतिक रोशन उन्होंने चचेरे भरा ने। दूजे पास डेब्यू की गल करिए जल्द ही इश्क विश्क रिबाउंड के नाल बॉलीवुड डेब्यू कर जा रही है जिस कारण वह चर्चा के है। हालांकि डेब्यू तो पहला ही उन्होंने फैन फॉलोविंग काफ़ी चंकी है। दूजे पास ऋतिक रोशन के नाल अक्सर नज़र आने कारण वह सोशल मीडिया से भी काफ़ी वायरल होंगी है और प्रशंसक अदाकारा की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। फिलहाल आओ एक बार फिर तो नज़र पा लें पश्मीना रोशन की इस वीडियो से। बॉलीवुड अदाकार कबीर बेदी अज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कबीर बेदी की पछाण सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पद्धर से भी अपनी पछाण बनाई है। अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों के नाल की थी। इस तों इलावा हॉलीवुड फिल्मों के भी काम कर चुके हैं। वह यूरोप के एक महान सितारे वजों भी उभरे ने। कबीर बेदी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, वह अपनी उच्ची आवाज़ लिए जाने चाहते हैं। कबीर बेदी अपनी निजी जिंदगी लैके भी काफ़ी सुरखियों के रहे हैं। उन्होंने वह व्यक्ति कहा जाता है जो अपनी शर्तों पर रेंदे ने। अदाकार ने अपनी जिंदगी दे विच चार विआह किए ने। फिल्म टीवी ते थिएटर कलाकार वजों अपनी पछाण बनाने वाले कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1986 में लाहौर पाकिस्तान दे विच एक सिख परिवार दे विच होया। उन्होंने पिता का नाम बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी है जो कि एक पंजाबी सिख लेखक दार्शनिक सी, जबकि माँ फरेडी बेदी ब्रिटिश औरत सी। उन्होंने माँ का जन्म इंग्लैंड के डरबी दे विच होया सी। कबीर बेदी ने अपनी स्कूली सिक्ख्या नैनीताल उत्तराखंड के शेरवुड कॉलेज और स्टीफन कॉलेज तो की दिल्ली तो ग्रैजुएशन की। कबीर बेदी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर के नाल की। इस बाद उन्होंने बॉलीवुड वाल रुख किया। कबीर बेदी बॉलीवुड फिल्मों के खलनायक के किरदार निभाने लिए जाने चाहते हैं। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई है। इन्होंने खून भरी मांग, मोहन जोदाड़ो, साहिब बीवी और गैंगस्टर शामिल ने। सीम, ससा, मेरा शिकार, इश्क, हलचल, कच्चे धागे, अशांति, आखिरी कसम, कुरबान, यलगार उन्हां दियां कई मशहूर फिल्मां ने। दस दिए कि बेदी नूं भारत दे पहले अंतरराष्ट्रीय कलाकार वजों भी जाने जाता है। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों दे विच काम किया। कबीर बेदी की निजी जिंदगी की गल करिए उन्होंने चार विआह किए ने। तुहानूं दस दिए कि कबीर बेदी का पहला विआह साल 1969 दे विच प्रतिमा बेदी दे नाल होया सी जो कि एक ओडीसी डांसर सी, पर 1974 दे विच दोहां दा तलाक हो गया। अभिनेता ने ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजैन हम्फरी नाल दूजा विआह किया। यह विआह भी ज़्यादा देर नहीं चल सकिया। दूजी पत्नी तो बाद तलाक लैन ते कुछ समय बाद कबीर बेदी ने अपने तीजे विआह का ऐलान कर दिता। 1992 कबीर बेदी ने टीवी ते रेडियो पेशकार निक रिदेस दे नाल विआह किया, पर 2005 उन्होंने अपनी तीजी पत्नी तो भी तलाक लै लिया। इस तो बाद कबीर बेदी 2016 प्रवीन दोसांझ के 70वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने नाल 7 फेरे ले। दस दिए कि उन्होंने चौथी पत्नी उन्होंने तो 29 साल छोटी है। सो इस अज दियाँ बॉलीवुड पॉलीवुड दियाँ कुछ खास खबर अज के लिए स्पाइसी रील्स के इना ही। फिलहाल मैनू दो इजाजत, धन्यवाद।